हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के बारे में हम बात कर रहे थे। सो एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में हम जो बात कर रहे हैं उसमें फर्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए गिफिन गुड्स क्या होती हैं, देखिए गिफिन गुड्स इसका जो नाम है, नेम आफ्टर 19th century। गिफिन गुड्स का जो नेम है वो 19th century में एक इकोनॉमिस्ट हुए थे, सर रॉबर्ट गिफिन, उनके नाम पर गिफिन गुड्स का नाम जो था वो गिफिन गुड्स पड़ा। हु पॉइंटेड आउट, जिन्होंने एक फिनोमेनन दिया फर्स्ट टाइम, आर दोज इन्फीरियर गुड्स, उन इन्फीरियर गुड्स के बारे में, ऑन विच कंज्यूमर स्पेंड अ लार्ज पार्ट ऑफ हिज इनकम एंड द डिमांड फॉर विच फॉल्स विद अ फॉल ऑफ देयर प्राइसेस। जिन पे कंज्यूमर जो है वो अपनी इनकम का एक बहुत ही बड़ा पार्ट खर्च करता है, और जब उसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, जब उसकी प्राइस डिक्रीज़ हो जाती है तो उसकी डिमांड भी डिक्रीज़ हो जाती है। यानी जैसे लो क्वालिटी ऑफ राइस, लो क्वालिटी ऑफ वीट, बाजरा, यानी कोई भी चीज़ जो घटिया क्वालिटी की हो वो क्या होती हैं, गिफिन गुड्स होती हैं। तो ऐसी जो गिफिन गुड्स हैं इनको इन्होंने नाम दिया, क्योंकि देखिए गिफिन गुड्स जो नहीं, जो सस्ती चीज़ें हैं उनको वही पर्सन्स यूज़ करते हैं जिनकी इनकम बहुत कम है, और अगर उनकी इनकम जो है वो धीरे इंक्रीज़ हो जाती है, तो जैसे ही उनकी, मान लो उनकी प्राइस और कम हो गई, और तो वो क्या करेंगे, जो उसके डिमांड करने वाले जो कंज्यूमर्स हैं वो सोचेंगे कि ये जो गुड है ये बहुत ज़्यादा क्या हो गई है, चीप क्वालिटी की हो गई है, तो वो उसे क्या कर देते हैं, उसे यूज़ करना बंद कर देते हैं, उसकी डिमांड कम कर देते हैं। तो अब देखें हम, बात तो ये होती है गिफिन गुड्स, और सर रॉबर्ट गिफिन ने इस फिनोमेनन को दिया था, तो इसीलिए इनका नाम जो था वो गिफिन पड़ गया। इन केस ऑफ सर्टेन इन्फीरियर गुड्स, और ऐसी कुछ गुड्स होती हैं इन्फीरियर गुड्स में जब प्राइस इनकी गिरती है तो डिमांड उनकी इंक्रीज़ नहीं होती बल्कि एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर जो बढ़ती है इज़ डाइवर्टेड ऑन परचेज ऑफ नॉर्मल और सुपीरियर गुड्स। यानी कि अगर उनकी प्राइस गिर जाती है तो वो उनकी डिमांड नहीं बढ़ाते बल्कि कुछ नॉर्मल और सुपीरियर यानी उससे अच्छी जो कुछ गुड्स हैं उनको परचेज़ करने लग जाते हैं। तो ये होती हैं कुछ इन्फीरियर गुड्स। इन केस ऑफ गिवन गुड्स नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज़ मोर पावरफुल देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सो द लॉ ऑफ डिमांड विल नॉट ऑपरेट। इसीलिए यहाँ पर जो गिवन गुड्स हैं यहाँ पर नेगेटिव इनकम इफेक्ट जो है वो ज़्यादा पावरफुल है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, तो इसीलिए यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड जो है वो वर्क नहीं करता, लॉ ऑफ डिमांड इनसे इसके साथ इम्प्रूव नहीं होता है। सो अगर देखें हम बात करें कि ये सिंपल सा इसका एक फिनोमेना ये है, सिंपल सा फैक्टर इसका ये है कि डिमांड जो है प्राइस कम होने पर डिमांड इंक्रीज़ होनी चाहिए, जबकि इन गुड्स में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर डिमांड कम होने, प्राइस कम होने पर डिमांड और कम हो जाती है और अच्छी गुड्स की तरफ लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये इसीलिए यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। यहाँ पर क्वालिटी ऑफ गुड्स जो है वो डिपेंड करती है। नेक्स्ट है सर रॉबर्ट गिफिन एन इकोनॉमिस्ट, जो कि एक बहुत ही अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, वो सरप्राइज हुए थे इस चीज़ को देखकर कि जैसे ही ब्रेड की प्राइस इंक्रीज़ हुई तो ब्रिटिश वर्कर्स ने ज़्यादा ब्रेड्स शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि अब वो जो ब्रेड की जैसे ही प्राइस इंक्रीज़ हुई तो वो उन्हें ऐसा लगा कि ये ब्रेड जो है वो अच्छी क्वालिटी की हो गई, तो उन्होंने ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो इसी वजह से ये जो थी ये क्या है, ब्रिटिश जो गुड्स हैं उनकी डिमांड है। अब हम बात करते हैं नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। द लॉ ऑफ डिमांड इज़ नॉट सीन। नेक्स्ट जो टॉपिक है नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, यानी कि ऐसी गुड्स जो कि हमारी लाइफ की नेसेसिटीज़ हैं उन पर भी लॉ ऑफ डिमांड जो है वो अप्लाई नहीं होता। देखिए हमारे पास बहुत सारी ऐसी गुड्स होती हैं, जैसे हम बात करें सॉल्ट। सॉल्ट जो है हमारे लिए नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, यानी कि अगर सॉल्ट का प्राइस कितना भी ज़्यादा हो जाए या कितना भी कम हो जाए, हम उसकी जो यूज़ है उसको करना हम बंद नहीं करेंगे। उसका यूज़ करना ऐसा भी नहीं हो सकता कि अगर मान लीजिए सॉल्ट की प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई तो हम उसका यूज़ करना बंद कर देंगे या फिर सॉल्ट की जगह शुगर यूज़ करने लग जाएंगे, या ऐसा भी नहीं होता कि मान लीजिए अगर सॉल्ट की प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई तो हम एक स्पून की जगह दो दो स्पून यूज़ करेंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता ना। तो नेसेसिटी ऑफ लाइफ जो है उनका प्राइस, उन पर प्राइस, उनकी डिमांड पर या उनकी क्वांटिटी डिमांड पर उनके प्राइस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। द लॉ ऑफ डिमांड इज़ नॉट सीन ऑपरेटिंग इन केस ऑफ नेसेसिटी ऑफ लाइफ। लॉ ऑफ डिमांड जो है वो ऑपरेट नहीं होता नेसेसिटी ऑफ लाइफ पर, जैसे फूड ग्रेन्स हैं, सॉल्ट है, मिल्क है, चिल्ड्रन
की जो नीड्स हैं बच्चों के लिए, जो दूध है उसके लिए, द मिनिमम क्वालिटीज और क्वांटिटीज ऑफ दीज गुड्स हैव टू बी बॉट वेदर दियर प्राइसेज राइज और फॉल, क्योंकि मिनिमम क्वांटिटी हमें परचेज करनी ही पड़ेगी चाहे इनकी प्राइस गिरे या बढ़े। तो ये इम्पॉर्टेंट थिंग है, नेसेसिटी ऑफ लाइफ। अब नेक्स्ट हम बात करें स्टेटस सिंबल प्रोडक्ट्स। स्टेटस सिंबल के जो प्रोडक्ट्स हैं, देखिए स्टेटस सिंबल यानी जिनसे आपका स्टेटस अच्छा प्रूफ होता है, यानी कॉन्स्पिशियस गुड्स जो होती हैं, जिनसे आप जो हम कह सकते हैं कि जो आपके स्टेटस को शो करती हैं, जिन्हें आप अपने यूज़ के लिए नहीं, सिर्फ अपने कंफर्ट के लिए और अपनी लग्जरी शो करने के लिए आप उनको रखते हैं। देयर आर सम गुड्स विच आर परचेज टू एम्फेसाइज स्टेटस और प्रेस्टीज बाय रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विल बी परचेज मोर एट अ हायर प्राइसेस। ऐसी जो गुड्स हैं वो बहुत ही हायर प्राइसेस पे परचेज की जाती हैं, तो उनकी प्राइस अगर और भी ज़्यादा कम हो या ज़्यादा हो, क्योंकि कम होगी तो ज़्यादा से इतनी तो कम होगी नहीं कि गरीब लोग भी खरीदने लग जाएं उनको, जैसे कि डायमंड्स हैं, कॉस्टली कारपेट्स हैं, वेबलिन टर्म्ड एज कॉन्स्पिशियस गुड्स। जो वेबलिन है उन्होंने इसे, वेबलिन जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने इनको कॉन्स्पिशियस गुड्स नाम दिया है, यानी कि दिखावे वाली जो वस्तुएं हैं हमारी उनको इन्होंने नाम दिया है। क्योंकि देखिए जैसे डायमंड्स हैं, डायमंड्स जो है वो हमारी ज़रूरी चीज़ों में नहीं आते, तो ये सिर्फ किस लिए परचेज़ किए जाते हैं, डायमंड की प्राइस चाहे कितनी भी इंक्रीज हो जाए या कितनी भी डिक्रीज हो जाए, हमारे ऊपर उसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस की। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के थ्रू भी स्टेटस सिंबल सबको समझ में आ गया होगा। तो अभी हमने 3 टॉपिक्स कर लिए हैं, जो भी हमारे जिन पर एक्सेप्शंस हैं, जो भी हमारे लॉ ऑफ डिमांड जिन पर अप्लाई नहीं होता है। तो स्टेटस सिंबल प्रोडक्ट हो गया, नेसेसिटी ऑफ लाइफ एंड गिफ्ट एंड गुड्स। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट वर्क वेयर देयर इज़ एन एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन दियर फ्यूचर प्राइस। जैसे लॉ ऑफ डिमांड जो है वो, ये फ्यूचर प्राइस हम पहले भी कर चुके हैं डिटर्मिनेंट्स में, कि अगर किसी भी गुड की फ्यूचर प्राइस जो है वो चेंज होने वाली है तो उसकी डिमांड पर वैसा इफेक्ट नहीं पड़ता जैसा इफेक्ट उस पर पड़ने वाला था। जैसे मान लीजिए किसी भी गुड, कोई भी गुड है, उसकी फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज़ होने वाली है, अगर उसकी फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज़ होने वाली है तो आज उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आज उसकी डिमांड कम क्यों हो जाएगी, क्योंकि सॉरी आज उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। आज उसकी डिमांड ज़्यादा इसलिए हो जाएगी क्योंकि फ्यूचर में अगर उन्हें परचेज़ करना होगा तो फ्यूचर में उन्हें ज़्यादा प्राइस देना पड़ेगा, तो इस वजह से उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज़। तो आज ही वो ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ करके रख लेंगे या स्टॉक करके भी रख सकते हैं। और अगर मान लीजिए फ्यूचर में किसी भी गुड की प्राइस जो है वो डिक्रीज़ होने वाली है, यानी फ्यूचर में मान लीजिए कोई 10 रुपीज़ की चीज़ है और वो 2 रुपीज़ की होने वाली है, तो आज हम उसका जो यूज़ है करना वो बंद कर देंगे, यानी उसको परचेज़ करना बंद कर देंगे, क्योंकि जब फ्यूचर में ही कम होने वाली है आगे आने वाले कुछ दिनों में ही, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको यूज़ अभी नहीं करेंगे, उसकी डिमांड हम बाद में इंक्रीज़ करेंगे। इग्नोरेंस एंड इल्यूजन ऑफ बायर्स, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एक्सेप्शंस में, दैट इज़ इग्नोरेंस एंड इल्यूजन ऑफ बायर्स। कि जब लोगों को कुछ भी पता नहीं होता, यानी जब कंज्यूमर्स होते हैं, जब कंज्यूमर्स को किसी भी चीज़ की नॉलेज नहीं होती, जब कंज्यूमर जो हैं वो इल्यूजन होता है बायर्स का, यानी कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं या उन्हें नहीं पता होता या वो भ्रमित हो जाते हैं या लोगों द्वारा ठग लिए जाते हैं सेलर्स के द्वारा, इग्नोरेंस उन्हें होती है, तो जो लॉ ऑफ डिमांड है वहाँ पर अप्लाई नहीं होता। कई बार होता है बढ़ी हुई प्राइस में भी हम परचेज़ कर लेते हैं, क्योंकि जब हमें नॉलेज ही नहीं होगी तो हम बढ़ी हुई प्राइस में भी परचेज़ कर ही लेंगे। When a consumer is under the wrong impression that a high priced product has better quality, जब consumer जो है वो ये सोचने लगता है कि high price का जो product है वो अच्छी quality का होगा, in such a situation quantity demanded जो है वो higher price पे भी increase हो जाती है। तो ये ignorance है consumers की। Next हम बात करते हैं emergencies की। Emergencies के time में जैसे medical emergency हो, war हो, या फिर कोई कैलमिटी आ जाए, जैसे फ्लड वगैरह आ जाए, जैसे अभी आपने देखा होगा केदारनाथ में जब फ्लड आया था तो वहाँ पे जो 5-5 रुपीज़ वाले जो बिस्किट के पैकेट थे वो उनको उन्होंने कर दिया था 50-50 रुपये का, तो वो 50-50 रुपये के जो बिस्किट के पैकेट थे वो भी क्या हो रहे थे, बिक रहे थे, बहुत ही ज़्यादा प्राइस उनका इंक्रीज़ हो रहा था। तो ये चीज़ थी कि प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होने पर, क्योंकि जब भी इमरजेंसी आती है तो लोगों को परचेज़ करना ही है और वो उनकी मजबूरी हो जाती है, चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी हो, चाहे वो वॉर हो, चाहे वो कैलमिटी आ रही हो, तो लॉ ऑफ डिमांड जो है वो कैलमिटीज़ यानी इमरजेंसीज़ के टाइम में अप्लाई नहीं होता, क्योंकि इस समय में जो कंज्यूमर्स होते हैं वो एबनॉर्मल वे में बिहेव करते हैं। दे एक्सपेक्ट शॉर्टेज ऑफ गुड दैन दे वुड बाय, अगर उन्हें लगेगा कि शॉर्टेज है गुड्स की तो वो ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे वो प्राइस हाई ही हो, उसे परचेज़ करना पसंद करते हैं।
तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट है नेक्स्ट इज अदर फैक्टर्स क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं. एन इंडिविजुअल मे प्रेफर अ सर्टेन प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ हर टेस्ट, जो कुछ जैसे टेस्ट के अकॉर्डिंग, हैबिट के अकॉर्डिंग, चाहे प्राइस कितनी भी ज़्यादा हो, जिसको जो पसंद है वो तो वही परचेज़ करेगा, जिसको ट्रेडिशन है, कस्टम है, प्रोफेशन है, कल्चर है. अब ऐसा थोड़ी है, प्रोफेशन मान लीजिए डॉक्टर की यूनिफॉर्म थोड़ी महंगी आ रही है तो वो आर्मी की सस्ती आ रही है तो आर्मी की परचेज़ कर लेगा, नहीं, हायर प्राइस पे परचेज़ करनी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि उसका प्रोफेशन है वो. कल्चर के अकॉर्डिंग सब चीज़ें हम परचेज़ करते हैं, फैशन के अकॉर्डिंग करते हैं, तो वहाँ पर प्राइस जो है वो कोई भी मैटर नहीं करता है. तो ये हमारे हो गए एक्सेप्शंस ऑफ गुड. एक्सेप्शंस जो होते हैं डिमांड के लिए, यानी ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, तो वो ये सारी सिचुएशंस हैं. इन सिचुएशंस में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम बात करते हैं, बहुत दिनों से हम बात कर रहे हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का. हम जब डायग्राम बनाते हैं तो हम उसमें लिख देते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड, ये लिखते हैं. तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या है, हम बात करते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की. देखिए, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या है, जब डिमांड में जब चेंज हो रहा है और वो जो चेंज है वो आपको एक ही कर्व पे मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व, यानी एक डिमांड कर्व पे मूवमेंट, जो भी हम डायग्राम बनाते हैं. जैसे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी जब प्राइस में इंक्रीजमेंट या डिक्रीमेंट हो, जब किसी भी गुड की प्राइस में इंक्रीज़ हो, इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो, तो उसके क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ जाए. और अदर थिंग्स क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी जितनी भी प्राइस के अलावा जो हमने डिटरमिनेंट्स पढ़े थे वो सारे डिटरमिनेंट्स क्या हो, कांस्टेंट हो, सिर्फ प्राइस का जो इफेक्ट है वो क्वांटिटी डिमांड पर पड़े, तो उसे हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. यानी कि जब एक ही कर्व पे मूवमेंट होता है, यानी कि अगर हमने प्राइस कम कर दी तो क्वांटिटी इंक्रीज़ हो गई, और प्राइस ज़्यादा कर दी तो क्वांटिटी डिक्रीज़ हो गई. जब क्वांटिटी डिमांडेड है किसी भी गुड की, चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस, यानी सिर्फ प्राइस के चेंज होने पर जो इफेक्ट आता है क्वांटिटी डिमांडेड में, दैट इज़ कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. तो इट इज़ इंडिकेटेड बाय मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ये सिर्फ डिमांड कर्व पे ही मूव करता है. इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू प्राइस फैक्टर, और ये प्राइस फैक्टर पे के इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू प्राइस फैक्टर के कारण ये चेंज होता है. यानी डी एक्स इज इक्वल टू एफ पी एक्स, मीन्स डी एक्स फंक्शंस ऑफ प्राइस ऑफ क्वांटिटी, प्राइस ऑफ द गुड. इसके टाइप क्या हैं? देखिए, इसके हम जो टाइप देख रहे हैं वो है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. एक्सटेंशन और एक्सपेंशन ऑफ डिमांड में हम बात करें, यानी कि जहाँ पर प्राइस अगर कम हो रही है तो डिमांड इंक्रीज़ हो रही है. जब प्राइस कम होने पर डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है, ये आपको ये दिख रहा होगा इस चार्ट में, देखिए, व्हेन द प्राइस इज़ लेस देन एंड डिमांड इज़ इंक्रीज, तो उससे जो इफ़ेक्ट पड़ता है, ये जो यानी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, यानी डिमांड का एक्सटेंशन हो रहा है. अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड की. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में तो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, क्योंकि डाउनवर्ड मूवमेंट होगा तो क्या होगा, डिमांड इंक्रीज़ होगी. और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या होता है, जब प्राइस किसी भी गुड की इंक्रीज़ होती है और प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से उस इंक्रीज़ होती हुई प्राइस की वजह से उसकी डिमांड जो है वो कंज्यूमर कम कर देते हैं. व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स ड्यू टू राइज इन दिट्स प्राइस, जिसमें अदर फैक्टर्स जो हैं वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, तो इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड. जैसे हम ये देख रहे हैं कि देखिए प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ पे हम बात करें तो अगर ये प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो प्राइस इंक्रीज़ होते ही डिमांड क्या हो रही है, कम. और ये जो हम डायग्राम में हम देख रहे हैं, तो डायग्राम में आप देखिए कि ये एक ही कर्व पर, ये पूरा जो है एक ही कर्व पर मूव कर रहा है. यहाँ पर देखो, हमने पहले प्राइस थी ओपी, तो ओपी प्राइस में ओक्यू डिमांड कर रहा था कंज्यूमर, अब प्राइस हमने इंक्रीज़ कर दी ओपी टू, तो ये जो डिमांड है वो क्या हो गई, कम हो गई. तो जैसे ही डिमांड कम होगी तो ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन. और अगर मान लीजिए हम प्राइस कम कर देते हैं, ये तो हो गया कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि डिमांड कम हुई है. जैसे ओ पी से इसको कर्व को टच करेगा तो ओ क्यू टू हो गई. अब मान लीजिए प्राइस हम कम कर देते हैं तो डिमांड कहाँ पहुँच जाएगी, ओ क्यू टू पर, ओ क्यू थ्री पर पहुँच जाएगी, यानी कि इस क्यू से भी आगे पहुँच जाएगी. तो उसमें क्या होगा, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, तो ये क्या होगा, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, यानी कि डिमांड का एक्सपेंशन.
तो ये चीज़ होती है डिमांड और इसके एक्सपेंशन की। इसमें क्या होता है, डिमांड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में तो मूवमेंट होता है अपवर्ड। ये देखिए आप, अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, अपवर्ड मूवमेंट। और जो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड होता है उसमें होता है डाउनवर्ड मूवमेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है और डायग्राम्स भी बनाने हैं। सो रीड दिस केयरफुली एंड टुमारो वी विल कम्प्लीट दिस चैप्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।